राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी दिव्यांग छात्रों के लिए कई योजनाएं बनी हैं, लेकिन जमीन पर इनका कितना क्रियान्वयन हो रहा है उसका एक उदाहरण चलिए आपको बताते हैं। गरियाबंद के धुरवापारा में जहां 11 साल की दिव्यांग छाया ध्रुव को सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं है कि छाया के परिजनों ने आवेदन नहीं दिया हो। पिता मुलेश्वर ने कई मरतबा तहसील दफ्तर के चक्कर काटे, जबकि पंचायत सचिव भी परिजन के आवेदन को कई मरतबा उच्च अधिकारियों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी योजना का लाभ मिलना इस बच्ची को शुरू नहीं हो पाया। सवाल तो ये उठता है कि पाइलों से निकलकर जमीन तक योजनाओं का लाभ आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है और क्यों नहीं पहुंच पा रही है ये तमाम योजनाएं उन हितग्राहियों तक, किसकी लापरवाही है? दोषी चाहे कोई भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तब लोग सिस्टम को नहीं सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं। आखिर इस सिस्टम और सरकार में जो फेरबदल करने चाहिए, जनता तो वोट दे के सरकार बदल देती है, लेकिन जो सरकार जो ये जो सरकारी तंत्र की अगर बात की जाए, जो ढर्रा चल रहा है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, जिसकी बानगी जिसका उदाहरण हम आपको गरियाबंद से दिखा रहे हैं, जहां पे अधिकारी तमाम योजनाओं को पलीता लगा देते हैं। साइकिल में चार ये मिला है, वो कितना मुश्किल में मिला है। उसका पापा पीछे ढकलते हुए स्कूल छोड़ता है, फिर लाने के लिए जाता है और पंचायत कुछ आवेदन कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ। पंचायत सचिव को दो तीन बार आवेदन भी लगाया है। हाँ। कुछ राहत नहीं मिलता है। पेंशन वेंशन मिल क्या बोलते हैं? उसने बोले होगा होगा बोलते हैं और तीन बार जो बोलना गलत है, दो नहीं मैं झूठ नहीं बोलता था, दो बार दिए हैं, एक बार दिए तो उसने विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना था और मैं ही जो है ना विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए गरियाबंद रह गया था, पूछ लो सामने, मैं ही ले गया था गरियाबंद और सर्टिफिकेट बनने की तो परिजन कई मरतबा शिकायत कर चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं। जिन लोगों के लिए योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिन लोगों के लिए जिन लोगों को मद्देनजर रखते हुए कोई योजना बनाई जाती है, अगर उसका ही लाभ उन हितग्राहियों को उन जरूरतमंदों को ही ना मिले तो फिर इस तरह की योजनाओं का संचालन करने का मकसद ही फेल हो जाता है। आम जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स जाता है उस टैक्स के पैसों से ये इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम हितग्राहियों के लिए वो योजनाएं संचालित की जाती हैं, उन्हीं मदों से पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन विडंबना देखिए इस देश की और विडंबना देखिए यहाँ के सरकारी तंत्र की, यहाँ के अधिकारियों की, कि जो परिपाटी चलती आ रही है उसमें सुधार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला किया जा रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे बालोदा बाजार से।